नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। हड़प नीति का मास्टरमाइंड चीन अब भारत की कूटनीति में फंसकर बुरी तरह कसमसा रहा है। ड्रैगन ने पड़ोसी देशों को साधकर भारत की घेराबंदी के जो मंसूबे तैयार किए थे वे धीरे धीरे धराशायी होते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसे देश से उसका बिस्तर लगभग गोल होने के करीब है। श्रीलंकाई जनता समझ गई है कि उनकी तबाही का असली जिम्मेदार चीन है, जो कुछ महीनों पहले बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा रहा था लेकिन जब उन्हें चीन की जरूरत थी सबसे पहले वही छोड़कर भाग गया। भारत ने तत्काल मदद भेजकर कुछ राहत देने की जरूर कोशिश की लेकिन चीन के इशारों पर नाचने वाली सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हुई। अब तो कहा जा रहा है कि पूरी सरकार देश छोड़कर भाग रही है। श्रीलंका की दुर्दशा देखकर उन देशों ने सबक लेना शुरू कर दिया है जहां पिछले कुछ सालों में चीनी भोपू बज रहे थे। इन देशों में पाकिस्तान के अलावा नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटा हुआ है। इस व्यापार के बंद होने से सबसे ज्यादा फायदा चीन ही उठा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के विकल्प के रूप में चीन पर निर्भरता बढ़ा दी थी लेकिन उसके घटिया प्रोडक्ट और पाकिस्तानी बाजारों में उनकी मौजूदगी से पाकिस्तानी उद्योगपतियों के बाजे बज रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान से निर्यात की तुलना में 0.2% आयात किया है जो पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो रहा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पाकिस्तान बहु बाजार की बजाय चीनी बाजार में तब्दील न हो जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के नेपीएम भारत से व्यापार बहाल करके चीन पर निर्भरता में कमी लाने की कोशिशों में लगे हैं। जबकि बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए अपना चटगांव पोर्ट भारत को इस्तेमाल करने की पेशकश की है। चटगांव बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। इससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि चीन चटगांव पोर्ट को हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रहा था। अगर श्रीलंका के दुर्दशा सामने नहीं आती तो शायद बांग्लादेश उसे वरीयता दे सकता था लेकिन अब बांग्लादेश सजग हो गया है। पर असली चोट तो नेपाल ने ड्रैगन को लगाई है। नेपाल सरकार ने पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास को लेकर भारत से बातचीत करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल पहले ही चीन से बातचीत कर रहा था। साल 2012 और 2017 में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए नेपाल ने चीनी कंपनियों से समझौता किया था लेकिन अब नेपाल के पीएम शेर बहादुर देव ने जानकारी दी है कि 1250 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भारत को दी जाएगी। यानी चीन के कर्ज जाल के लालच में फंसे इन देशों को चीन की मक्कार नीति और भारत की अहमियत पता चल गई है। भारत ने बुरे वक्त में चीन के दोस्त श्रीलंका की जिस तरह सहायता की उसने बाकी देशों का भारत पर भरोसा बढ़ाया है। जबकि चीन को लेकर इन देशों में चिंताएं उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, जनता भी चीन को लेकर भय का शिकार हो रही है और जहां जहां पर चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां चीनियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की धरती से चीनी श्रमिक भाग रहे हैं तो वहीं बांग्लादेश में पिछले हफ्ते फिरोजपुर जिले में 3 चीनी नागरिकों को घायल कर दिया गया। भारत भी श्रीलंका के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर चीन की घेराबंदी कर रहा है। वह यह दिखाने की कोशिशों में लगा है कि सिर्फ नई दिल्ली दक्षिण एशिया की भरोसेमंद शुभचिंतक है। चीन सिर्फ अपने ही थी देखता है और जरूरत पड़ने पर वह पीठ दिखाकर भाग जाता है। अच्छी बात यह है कि चीन के इस चरित्र को पाकिस्तान भी समझने लगा है लेकिन वह उसके कर्ज जाल में इतना धस चुका है जहां चीन के खिलाफ सिर उठाना उसके लिए बहुत कठिन है। लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे देश अभी शैशवकाल में हैं, इसलिए इन देशों में भारत के लिए ज्यादा मजबूत संभावनाएं हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।